अपडेट अब तक पहुंचा रहे जहां कोरोना ने अब दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ाई है। पिछले 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं वो 429 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिविटी जो रेट है 16% से ज्यादा हो गई है। तो वहीं बीते एक हफ्ते में बढ़े हैं कोरोना के 3 गुना केसेस। की बड़ी और अहम अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बता दें कि कोरोना ने अब दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इसके साथ ही मामलों में भी रफ्तार पकड़ी है और आपको बता दें कि 3 गुना रफ्तार बढ़ी है जहां दिल्ली में 24 घंटे के अंदर आए 429 कोरोना के जो मामले हैं और पॉजिटिविटी रेट 16% से ज्यादा हो गई है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के जो मामले हैं 3 गुना से ज्यादा बढ़े थे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने जाना था कि 10% पॉजिटिविटी रेट थी जो कि बढ़कर अब 16% हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कोरोना ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ाई, क्योंकि बीते हफ्ते हमने देखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से यहां पर रिव्यू मीटिंग की गई। और इस बीच आपको बता दें कि किन राज्यों में तेजी से फैल रहा है कोरोना। केरल में 484 मामले हैं। इसके साथ ही बात दिल्ली की करें तो 416 मामले, हिमाचल में 354, तमिलनाडु में 156, महाराष्ट्र में 659, गुजरात में 372, कर्नाटक में 247 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। और ये जो रफ्तार है कोरोना की लगातार बढ़ती जा रही है और 28 मार्च को 2151 थे, 29 मार्च को 3016 थे, 30 मार्च को 3095। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और 2 अप्रैल को 3884 जो मामले हैं वो सामने आए हैं। इस वक्त की अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको कोरोना की जो रफ्तार है वो भी बताएं कि किस गति से अब बढ़ती जा रही है, किन राज्यों में कितने मामले सामने आए। तो इस बीच दिल्ली में जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा